अगर आप बाहर चले गए भाई साहब, आपकी 20 साल उम्र बढ़ जानी है। आप 50 साल वाले बंदे को आज कनाडा भेज दो, कम से कम 20 साल उसको उम्र एज ए गिफ्ट मिलती है। इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, हम लोग हर किसी को भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा ये कारोबार है, 15 साल से कर रहे हैं, हजारों लोगों को भेज चुके हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता साहब, पेट लगा हर आदमी को, हमारा भी ये धंधा है। गरीब आदमी है, गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गरीब हो, उसके जिम्मेदार आप खुद हो, कोई और नहीं है। आप भी भगवान जी की उतनी ही पूजा करते हो, मैं भी उतनी पूजा करता हूँ। मेरे भी भगवान जी हैं, आपके भी भगवान जी हैं। भगवान जी कहते हैं आपको ये हाथ दिए ना, जाओ मेहनत करो। जरिया क्या है, कैसे मेहनत करो, जाया जाए, कैसे पहुंचा जाए, विकल्प क्या क्या है, कौन से देश में जाया जाए, काम कैसे। बीमार हुए हैं तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वीजा लेना तो हमारे पास आएंगे, दुकानदारी है हमारी, भेजते हैं। क्या आपके पास 20 से 25 लाख रुपया है? मैं आपको 90 दिन के अंदर आपके परिवार सहित भेज सकता हूँ। स्पाउस वीजा आएगा, स्पाउस वीजा होगा, बच्चे का वीजा होगा, माँ बाप का, सब चले जाओगे, पैसे लगेंगे। यहाँ दुनिया लगी है प्लाट खरीदने में, दुकान खरीदने में। हिंदुस्तान में, पूरे भारत में क्या हो रहा है? आपके पास सुबह आ जाए पैसे, मेरे पास आ जाए, भाई साहब के पास आ जाए, क्या करेंगे? टैक्स तो हमें देना नहीं है, सहूलत हमें सारी चाहिए। हम क्या करेंगे? 5 लाख रुपए का प्लाट होगा, हम 50,000 की रजिस्ट्री कराएंगे, उसकी 90% हम लोग ब्लैक में दे देंगे। चल भाई, अपने तो निकल गए इधर। छोटे छोटे प्लाट ले लेके जो रखे हुए हैं ना लोगों ने, ये प्लाट यहीं पे रह जाएंगे। अगर आपको सुबह कैंसर हो गया, एक अच्छी सी प्रॉपर्टी बेच के आपके बच्चों को अगर आप नागरिकता ले देते हो कनाडा की, सारी जिंदगी मौज करोगे आप। क्या दे रहे हो आप अपने बच्चों को? यहाँ पे सांस ले रहा है आपका बच्चा। आज पहाड़ों में क्यों जाते हैं घूमने? प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं। सांस अच्छी आती है, हवा अच्छी है, पानी अच्छा है विदेशों में, वो लोग प्यार करते हैं अपनी प्रकृति को। हम लोग कुछ खाते हैं, छिलका ऐसे फेंकते हैं, सफाई तो हम लोग खुद ही नहीं रखते। ठीक है, अब कल्चर चेंज हुआ है, सारे लोग एक समान नहीं है, बहुत सारे लोग समझदार भी हैं। आज समझदार उसको समझा जा रहा है जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। भारत में हर आदमी को अपने बच्चों से प्यार है, अपने माँ बाप से, भाई बहन से प्यार है, जिसके चक्कर में सारी जिंदगी वो मेहनत करता है। अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप सोते क्यों भाई रात को? क्यों नहीं, नींद कैसे आ जाती है अरे गरीब आदमी को, मुझे ये नहीं समझ लगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे की अच्छी एजुकेशन नहीं हो रही, तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं, तुम्हें पैसे चाहिए, तुमने बहन की शादी कर रही है, फिर सोते क्यों हो रात को? क्यों नींद आती है तुम्हें? को रात को काम करो। भगवान जी से मांगने से कुछ नहीं होगा। रब ने आपको दो हाथ दिए हैं, दिमाग दिया, मेहनत करिए। मेरा वीडियो देख रहे हैं, 10 एजेंटों के पास और जाइए, पूछिए भाई साहब क्या आप पैसे बाद में लेंगे, क्या आप हमें 90 दिन में भेज सकते हैं। मेरा खुला चैलेंज है, पूरे पंजाब हरियाणा में मुझे कोई आदमी दिखाओ जो बोले मैं कनाडा भेजता हूँ जी, परिवार को, बीवा बीवी बच्चे को, इकट्ठों को भेजता हूँ। मैंने पहले वीजे लिए हैं मांशु जी, उसके बाद आपके पास आया हूँ। मेरे पास लगे हुए वीजे आगे चेक करो, ठीक है। कोरोना में टाइम डिले हुआ था, प्रोसेसिंग टाइम डिले हो गया था, एम्बेसी ने वीजा देने बंद कर दिए थे, शोर मचाया, उनका भी कारोबार है। अब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, वीजे मिल रहे हैं। क्या चाहिए जाने के लिए? पहली शर्त, पैसे हैं भैया तो काम होना है। मैं एक आदमी कम पैसों पर भेज दूंगा, दो आदमी कम पे भेज दूंगा, एक आदमी फ्री भेज दूंगा, मुझे भी पापी पेट लगा, मुझे भी अपने बच्चे पालने हैं। अगर आपके पास 25 लाख रुपए हैं, देखो सीधी कोरी बात है, बहुत सारे लोग गालियां में निकालेंगे कि 25 लाख हो तो मैं इंडिया में ना कुछ कर लूँ, तो कर ले भाई, क्या उखाड़ लिया किसी ने जो तू उखाड़ लेगा? क्या आता 25 लाख रुपए का? कैंसर हो गया, 1 करोड़ रुपया लग जाना तुम्हारा। कैंसर वाले मरीज की क्यों मौत हो जाती है? क्योंकि इलाज ही नहीं करवा पाता। कितने भी पैसे करा लो, लगा लो, ठीक थोड़ी होगा वो आदमी। जिसको बीपी की प्रॉब्लम होगी, शुगर की होगी, वो तो उसकी उम्र कम हो रही है, स्लो पॉइजन की तरह बंदा खत्म हो जाता है। अगर आप सुबह कनाडा चले गए, आपके माँ बाप भाई बहन चले गए, आपका बच्चा चला गया, हो सकता है वहाँ पे आमदनी कम हो तुम्हारी, एक अच्छी जिंदगी तो जी लोगे। 4 दिन लोग काम करते हैं, 5वें दिन पता नहीं होता बंदा कहाँ पे, लोग मौज करते हैं।
यहाँ बिना शराब पिए कोई नाचता नहीं है, किसी को बोलो ना भाई साहब आओ चलते हैं नाचने चलते क्लब में, बोलो ये गलत संगत में जा रहा है। यहाँ पे क्लब में जाना नाचने को गलत समझा जाता है। जब हम नाचते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं। हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में चीज़ों को बहुत दूर रखा गया। गोरे लोग 4 दिन काम करते हैं, 2 दिन मौज करते हैं। मौज करते हैं उससे उनकी उम्र बढ़ती है, फिक्र नहीं होती। यहाँ बिना खाए पिए रात को नींद नहीं आती, दिमाग फट रहा होता है, टेंशन है, किसी का ब्याज देना, किसी की किस्त देनी है, बच्चों की फीस देनी है, माँ बाप का इलाज कराना, बहन की शादी करनी है। हर आदमी को यही प्रॉब्लम्स हैं। तुम जी कब लोगे, कब जिंदगी जियोगे? जो समझदार हैं वो हमें फ़ोन करके चले जाएंगे। मेरी पहली शर्त है 25 लाख रुपया है, हमें फ़ोन करके हमारे से टाइम ले लो, हम तुम्हारा काम कराने की कोशिश करेंगे।